नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे किस प्रकार से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की जानकारी लाइव शेयर करने वाले हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा क्योंकि पेमेंट बहुत सारे दूसरों का फंसता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपके सामने लाइव स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आपको भी करना है ताकि पेमेंट आपका ना फंसे। और आपको बता दें इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट इस चैनल पर आपके सामने शेयर करते रहते हैं। तो चलिए किस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना है उसके लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। आने के बाद आपको थ्री से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपडेट में देख सकते हैं एलएनबी पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म 2023 इस तरह से आपके सामने आएगा। आपको क्लिक कर लेना है, इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आएगा, आपको नीचे चले जाना है, सबसे नीचे चले जाना। यहाँ पे देखिए फॉर्म फिलअप है और कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है उसका वीडियो भी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे दोस्त लोग यहाँ पर भी पूछते हैं कि सर एक्स रेगुलर का भी यानी कि ईएक्स स्टूडेंट भी इसमें भर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, ईएक्स स्टूडेंट और रेगुलर दोनों स्टूडेंट भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरह से फॉर्म फिलअप पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह से डिटेल्स होगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपका जो भी रोल नंबर है वो भरना है और जो भी मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ दे के आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए ये सभी डिटेल्स को भर के आपके सामने लाइव शेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखते दोस्तों अपना रोल नंबर और जो भी डेट ऑफ बर्थ था या मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी दीजिए, लॉग इन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भर के आपको साइन इन यानी कि लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से लाइव डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपका ये डिटेल्स पूरा भरा रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ मिला लेना है कि जो जानकारी यहाँ पे भरा है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे रहेगा, आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी को अच्छे से जांच कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टैब, यहाँ पे जो भी दोस्तों लोग सेशन 2020-21 है यानी कि 20-23 है उनका जो है यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करना है। बाकी ईएक्स स्टूडेंट हैं जो एएक्स स्टूडेंट ईएक्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका कॉलेज नाम ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर भी ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ पे आपको जो भी है जो भी स्ट्रीम्स होंगे वो सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे प्रोग्राम और यहाँ पे जो भी कॉलेज रोल नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे कॉलेज रोल नंबर आपको अपलोड करना क्या है, फोटो अपलोड करना है जो कि 50 KB से कम होना चाहिए, ध्यान दें कम होना चाहिए, और सिग्नेचर भी 20 KB से कम होना चाहिए। इसको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए संपूर्ण जानकारी को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भी डिटेल्स है हम इसको अच्छे से मिला लिए हैं जो कि पहले से भरा हुआ है, अब आपको सिर्फ मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैटेगरी है आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कैटेगरी और जो भी है डेट ऑफ बर्थ यहाँ वगैरह संपूर्ण जानकारी को जांच कर लेना है। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस रहेगा वो पहले से भरा रहेगा, सिर्फ आपको देख लेना है कि वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट टाइप है, यहाँ पे देखिए रेगुलर और ईएक्स रेगुलर है, ठीक है। तो जो भी दोस्त लोग 2020-23 वाले सेशन में वो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी अदर सेशन में वो ईएक्स रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो 2020-23 वाले सेशन में इसलिए यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी कॉलेज होगा वो दिखेगा, फिर यहाँ पे स्ट्रीम पूछ रहा है साइंस कॉमर्स आर्ट कौन से स्ट्रीम से है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आर्ट साइंस कॉमर्स, तो हम जो है यहाँ पे साइंस से हैं तो इसलिए हम यहाँ पे साइंस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपका आर्ट होगा आर्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर ऑटोमेटिक रहेगा, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। वैसे स्टूडेंट जो ईएक्स हैं यानी कि ईएक्स रेगुलर स्टूडेंट हैं वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमारा जो है 2020-23 सेशन है इसलिए यहाँ पे 20 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 2020, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे प्रोग्राम टाइप पूछा जा रहा है, तो प्रोग्राम टाइप में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनर्स और जनरल है तो आपको ऑनर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑनर्स सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑनर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनर्स सब्जेक्ट यानी कि आप कौन से ऑनर्स पेपर यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो पेपर यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे फिजिक्स से ऑनर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फिजिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपका जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लास रोल नंबर है, ठीक है। तो आप जो अपने कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसमें आपको क्लास रोल नंबर मिला होगा, वही क्लास रोल नंबर आपको यहाँ पे भर लेना है। भरने के बाद फोटो और सिग्नेचर वगैरह जो भी है अपलोड करना है। तो चलिए क्लास रोल नंबर हम भर दिए हैं। इस तरह से भरने के बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर बोल रहा है 50 KB से ज्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए, यानी कि 50 KB से कम का फोटो होना चाहिए और 20 KB से कम का सिग्नेचर होना चाहिए, समझ लीजिए। उसके बाद आपको करना कि इस पर अपलोड कर देना है, चूज फाइल पर क्लिक कर जैसे अपलोड करें, जैसे कि हम यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर बटन जो है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया और यहाँ पे लिखा भी है फोटो सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुल्ली, ठीक है। इस तरह से आपको सामने देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सेव डिटेल्स वाला बटन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान दें सभी जानकारी को अच्छे से जांच कर लेना है, ठीक है। इसलिए
आपको ज़्यादा घर फराने की भी जरूरत नहीं है, जो भी है अच्छे से जांच करने के बाद सेव डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो चलिए सेव डिटेल्स पर हम जैसे क्लिक किए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है डिटेल्स सेव्ड अपडेटेड सक्सेसफुल्ली, उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा, यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर एग्जाम फॉर्म, यानी कि हमने एग्जाम फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं, अब पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए पे एग्जाम फी जो लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन है जो कि अच्छे से आपको पढ़ लेना पड़ेगा। अगर किसी कारण पेमेंट आपका फंस जाता है तो 72 घंटे के बाद आप जो है चेक करेंगे, अगर अपडेट नहीं होता तो फिर से आपको पेमेंट यहाँ पे देखिए फिर आपके खाते से वापस ले लिया, यानी कि चला जाएगा, यानी कि अगर अपडेट नहीं होता तो आपके खाते में वापस चला जाएगा, इस तरह से यहाँ पे है। तो आपको पेमेंट कैसे करना है उसका भी प्रोसेस ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है। तो आपके सामने देख सकते हैं पेमेंट कितना करें, 1130 रुपये कट रहा है और GST चार्ज वगैरह तो इसमें नहीं कट रहा है। इस तरह से आप लोग के सामने देखने को मिलेगा, आपको पे फॉर एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से स्मार्ट चेकआउट लिखा रहेगा, कार्ड से लिखा रहेगा, नेट बैंकिंग लिखा रहेगा, आपको कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड से कटाना है, अगर कहे तो एक तरह से ATM कार्ड से आपको पेमेंट कटाना है, ध्यान रहे फोन पे वगैरह से नहीं कटाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कार्ड्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी कार्ड नेम होगा वो नाम देना है, ठीक है, कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड नंबर, मंथ, ईयर और CCV, ठीक है। इस तरह से आपके सामने जो है भर के पे पर क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे डिटेल्स को भर लेते हैं, देख सकते हैं इस तरह से भर चुके हैं, अब हम पे पर क्लिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पे पर क्लिक कर देते हैं। जैसे पे पर क्लिक किए, जो भी हमारा जो बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला गया, उस OTP को आपको यहाँ पे भर लेना और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम उस OTP को यहाँ पे देख सकते हैं भर चुके हैं, अब यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक किया, हमारे पास एक एरर आया जो कि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों लोग यहाँ पे जो है कि दिक्कत यानी कि मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, सेंड एनी वे पर क्लिक करना है, ध्यान रहे सेंड एनी वे पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन और आपका जो भी है यहाँ पे पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं डेट वगैरह भी, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नाम, और यहाँ पे दोस्तों रोल नंबर भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से डिटेल्स रहेगा, 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर देगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं रिडायरेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये पेमेंट रसीद है, देख सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट लिखा भी है, ठीक है। तो आपको इसको प्रिंट करने के लिए करना क्या है, क्लिक हियर टू प्रिंट वाला बटन जो है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से आएगा, आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, जो भी करना है कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रिंट कर लेना है। तो चलिए हम इसको हम सेव कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे दोस्तों कर देंगे क्या, अब हम एग्जाम फॉर्म को प्रिंट करेंगे। उसके लिए करना क्या है, प्रिंट एग्जाम फॉर्म जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से प्रिंट एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर वगैरह जो भी है डिटेल्स यहाँ पे संपूर्ण डिटेल्स रहेगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से जांच कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रिंट वाला बटन जो यहाँ पे दिखा है आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे सेव कर लेना है या प्रिंट कर लेना है, जो भी करना है यहाँ पे करके रख लेंगे, ठीक है। तो कैसे फॉर्म भरना है ये सभी जानकारी हमने आपके सामने लाइव शेयर कर दी, और आपको बता दें कि कितना रुपया कटा है वो भी आपको पता चल गया होगा, और आपको ये भी जानकारी शेयर कर दें कि प्रिंट एप्लीकेशन यानी कि पेमेंट फी रिसिप्ट और एग्जाम फॉर्म रिसिप्ट दोनों को प्रिंट आउट करके अपने कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है, ताकि आपका एग्जाम का यानी कि एडमिट कार्ड आ सके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट था हमने आपके सामने लाइव शेयर कर दिए, और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें और यहाँ फटाफट यहाँ पे अपना फॉर्म भर लें। किसी प्रकार का परेशानी हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इससे भी ज़्यादा परेशानी होता है तो आप हमारे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन होकर डायरेक्ट एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में तो ज्वाइन आपको होना ही है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हर सेकेंड की अपडेट आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो यही रहा अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।